अंडे की जर्दी का रंग अक्सर पीला होता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कई बार इस रंग का हरा या काला भी होना हो सकता है। बात अगर सिर्फ हरे रंग के अंडे की जर्दी यानी ग्रीन यॉर्क की करें, तो ये उन मुर्गियों के अंडों में होते हैं जो कि हरी सब्जियां और साग खाते हैं। होता ये है कि हरी सब्जियों और साग का रंग इसे कैरोटेनाइड यानी कि हरा रंग प्रदान करने वाला तत्व होता है, और इसलिए इन अंडों की जर्दी हरे रंग की होती है। ऐसा ही कुछ पीले रंग की जर्दी का भी कारण होता है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती और हमेशा लेकर आती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, गवर्नमेंट एग्जाम के कुछ ट्रिकी आंसर्स और कंटेंट भी लेकर आती हूँ। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमेशा मैं लेकर आऊंगी, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आखिर अंडे की जो जर्दी होती है वो पीली क्यों होती है। अंडे की जर्दी पीले रंग से लेकर सफेद तक हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहले तो ये चिकन क्या खाता है और किस रंग की चीजें ये फीड करता है, इस पर जर्दी का रंग ज्यादा निर्भर उसी पर करता है जो ये खाता है। पिगमेंट से भरपूर आहार गहरे रंग की जर्दी वाले अंडे को उत्पादन करता है। येलो कॉर्न यानी हम कह सकते हैं अल्फा मील खाने वाली मुर्गियां मध्यम पीली जर्दी अंडे वाले अंडे देती हैं, जबकि गेहूं या जौ खाने वाली मुर्गियां सबसे हल्के रंग की जर्दी वाले अंडे देती हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान जब मुर्गियां बाहर अधिक समय बिताती हैं धूप में, तो वे अपने नियमित भोजन के अलावा अधिक बीज, घास और कीड़े खाती हैं। यह जर्दी को गहरा पीला या फिर हरा रंग दे सकती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस रंग के अंडे की जर्दी सेहतमंद होती है। बहुत ज्यादा ही डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज या पेल क्रीम कलर की जो जर्दी होती है आमतौर पर ज्यादा पोषण देती है। हालांकि स्वस्थ मुर्गी का अंडा पीला हो, हरा हो या ऑरेंज हो, अंडों के पोषण मूल्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा अंडे की जर्दी खाने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। इसमें घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और ए होता है। साथ ही आवश्यक यानी इम्पोर्टेंट फैटी एसिड जैसे कि डीएचए, डीएलए और ओमेगा 3 जो कि एक जैसे पोषक तत्व होते हैं, और भी इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, कोलीन और कैरोटेनाइड जैसे खनिज इससे यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं, सेहतमंद होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए। तो इस लिहाज से अंडा खाएं और इसकी जर्दी के रंग पर ना जाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आखिर अंडे की जर्दी पीली क्यों होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेकर आऊंगी। और यस, इफ यू आर नॉट अ नॉन वेजिटेरियन देन प्लीज अवॉइड इट, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ना। अगर आपको अंडा नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ना अंडे में जो जर्दी होती है पीली क्यों होती है। तो चलिए, अब मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। तो टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।